हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार। आप देख रहे हैं बिजनेस सीखो चैनल। दोस्तों, आज के थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पीवीसी बैंड मेकिंग बिजनेस। जी हां दोस्तों, यह अभी यूट्यूब पर आपको इससे संबंध में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। और कोई यूट्यूबर कह रहा है कि 5,000 कमाइए पर डे, कि 10,000 कमाइए। क्या आप इस बिजनेस से 5,000 या 10,000 कमा सकते हैं? तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी इस बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं कि आप कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर स्टार्ट कर सकते हैं तो क्या इसमें मुनाफा होगा या नहीं होगा। दोस्तों, इस बिजनेस के बारे में बताने से पहले आपको मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और हमारे वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो आप शेयर भी करें। दोस्तों, आज जो बिजनेस है पीवीसी बैंड मेकिंग बिजनेस, यह दोस्तों कई सारी तरह से इस बिजनेस को चालू कर सकते हैं। इसकी एक ऑटोमेटिक मशीन भी आती है, वह जो काफ़ी सारे पैसे खर्च करके आपको मिल सकती है। और दूसरी तरह आप मैनुअल मशीन से भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मैनुअल मशीन का लगभग मटेरियल वही 5,000 से 6,000 में आ जाएगा। एक हीटर होता है और उससे जुड़े हुए पार्ट होते हैं, जिसे आप अपने घर पर ही, मैंने इस वीडियो में दिखाया है उस प्रकार, इस बैंडों को बना सकते हैं। तो एक ऑटोमेटिक मशीन से बने हुए बैंड और मैनुअल मशीन से बने हुए बैंड में क्या अंतर होता है, यह आप जब बिजनेस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। और मैं आगे और बताने वाला हूं कि अगर आप मैनुअल मशीन से शुरू कर सकते हैं तो ना करें, क्योंकि अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उससे पहले आप होलसेल रेट में मार्केट से यह प्रोडक्ट लें और दुकानों पर जाकर बेचें। अगर आपका इस बिजनेस में मन लगता है तो आप आगे चलकर मशीन खरीद कर इस बिजनेस को बड़े रूप में ला सकते हैं। दोस्तों, मैनुअल मशीन में बहुत सारे झंझट होते हैं, उसमें कई सारे समस्याएं आती हैं इस बिजनेस को शुरू करने में। जैसे कि आपको ऑटोमेटिक मशीन में जो पीवीसी बैंड होते हैं वह एक तरीके के मिलते हैं, मशीन एक ही टाइप के बना के देगी, ना आपको टेढ़े मेढ़े बना के देगी, बिल्कुल एक ही एग्जैक्ट बना करके देती है। लेकिन आप मैनुअल इस चीज़ को बनाएंगे तो आपके आगे पीछे होंगे, और कभी कभार हीटर ज़्यादा गर्म हो जाने से ये पाइप में बवाल आ जाते हैं और फट भी जाते हैं, बहुत सारे नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इसके लिए आप पाइप की ज़रूरत होती है, जो कि आप मार्केट से ख़रीद कर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस बिजनेस को आप मैनुअल मशीन से ना स्टार्ट करके होलसेल रेट में ख़रीद कर आप इस बिजनेस को शुरू करें, ताकि आपको एक प्रॉफिट होने लगे, ताकि आप आगे चल कर के इस बिजनेस को बड़े रूप में ला सकते हैं। मैनुअल मशीन में बहुत सारे झंझट होते हैं, आप इन चक्करों में ना पड़ें। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो जो आपको मिलती जा रही हैं कि 2,000 रुपये रोज़ कमाएं, कि 5,000 रोज़ कमाएं, आप 5,000 कैसे कमा लेंगे ये बताइए मुझे। आपको पहले से कोई अनुभव है नहीं इस बिजनेस का, इस बिजनेस को आप शुरुआत करेंगे तो आप टेढ़े मेढ़े बनाएंगे बैंड, लेकिन वह दुकानदार आपसे लेगा नहीं, वह सारे आपको बेकार हो जाएंगे और आपका सारा पैसा व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप होलसेल रेट में इस बैंडों को ख़रीदें, और होलसेल रेट में बैंड ख़रीदने से एक फ़ायदा और है, आपको सही रेट का पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप मैनुअल मशीन से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको घाटा भी लगेगा, और अगर आप मैनुअल मशीन से शुरू करना चाहते हैं तो आपको लगभग 5,000 से 6,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इससे संबंधित सामान आपको मिल सकता है और आप इस बिजनेस को शुरू कर पाएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से आप होलसेल में पहले ख़रीदें
जिससे आपको एग्जैक्ट रेट मालूम पड़ेगा और आप एक अच्छा खासा मुनाफा भी कमा पाएंगे। लेकिन आप मैनुअल मशीन से शुरुआत करेंगे तो आपको ना तो रेट का पता होगा और ना ही आप इस बिजनेस से पैसे कमा पाएंगे। इसलिए सबसे पहले होलसेल में ख़रीदिए। होलसेल में ख़रीदने से आपका एक फ़ायदा और है, यह सारी जो मशीनें हैं वो आपको नहीं ख़रीदनी पड़ेंगी, आपको केवल माल ख़रीदना होगा। और अगर आप माल में प्रॉफिट होता है तो आप उसे और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, और नहीं होता है तो आप माल को वापस कर दें, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आप एक बार मशीन ख़रीद लेंगे तो आपका वो सारा घाटा हो जाएगा, वो मशीनें फिर किसी भी काम की नहीं होंगी और ना ही उस आप बिजनेस को शुरू कर पाएंगे। इसलिए YouTube के चक्कर में ना पड़ें। YouTube पर बहुत सारी वीडियो देते रहते हैं कि 2000 रोज़ कमाए, 10000 रोज़ कमाए, 50000 रोज़ कमाइए, कैसे कमा लेंगे 2000 रुपये, 5000 रुपये कैसे कमा लेंगे आप। इस एक बैंड पर लगभग 1 रुपये का प्रॉफिट होता है। और आपको सबसे पहले जब आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो आपको कोई ब्रांड नहीं लेगा, क्योंकि इस बैंड के जो ब्रांड हैं वो पहले से ही मार्केट में जमे हुए हैं, तो आपका ब्रांड क्यों लेगा वो। इसलिए आपको बहुत सारी समस्याएं आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो होलसेल रेट में करिए। करने के बाद में अगर आपको यह बिजनेस अच्छा लगता है तो आप ऑटोमेटिक मशीन लेकर इस बिज़नेस को शुरू करें, ताकि आपका घाटा ना हो, मुनाफा ही रहे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।